तो दोस्तों इसका जो एयर का स्क्रू था पूरा जाम हो चुका था, खोलते खोलते वो स्लिप हो गया। वो इतना जाम था कि उसको यहाँ पे खोलना पॉसिबल नहीं था, तो हम गए लेते वाले के पास, खोल के पूरा सिलेंडर लेके गए। देखिए इस पूरा सिलेंडर खोल के लेके गए ये नया, फिर उसने क्या किया ये निकाल के थ्रेड उसने फिर से साफ किया और नया स्क्रू फिर हमने डाल दिया। तो अभी क्या है, अभी अब चेक करते हैं यहाँ से, अभी एयर स्क्रू तो एयर निकलेगा। अभी एयर पास हो गया तो फ्रेंड्स आपका जो ब्रेक है पीछे का 100% बन जाएगा। तो देखिए हमने दो काफ़ी मेहनत किया इसमें, अभी ये होने वाला, जस्ट आपको लास्ट तक बने रहना। देखिए फ्रेंड्स हमने ऑयल तो सुबह ही चेंज किया था इसका, अब क्या करेंगे हम पंपिंग करेंगे और चेक करेंगे कि इसका ब्रेक काम करता है कि नहीं। अभी पीछे से देखिए यहाँ से अगर बबल बनता तो ठीक, नहीं तो पीछे से एयर पास होना चाहिए, ऑयल बाहर आना चाहिए। स्क्रू आपको ढीला रख लेना है, ब्रेक दबा के देखिए पंपिंग करके हम आपको चेक करना है कि ऑयल आ रहा है कि नहीं। देखिए इसमें पुराना ऑयल जो है वो आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, और ब्रेक ऐसे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा पर ए वाले जुगाड़ का आप इस्तेमाल करें। अगर ये जुगाड़ से आपका ब्रेक जल्दी ना बने तो मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि इसका बनना आपका एकदम 100% बन ही जाता है। तो फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए पंपिंग करते रहना। अब जो भी इसके अंदर का काला ऑयल है, काला ऑयल तो बाहर आ ही जाएगा, आपका कचरा उसरा सब साथ में आ जाएगा और एयर भी आ जाएगा। देखिए इसके अंदर काफ़ी एयर बाहर आ चुका है, अभी मैं आपको व्हील घुमा के दिखाता हूँ। और ये देखिए ब्रेक दबाया मैंने, घुमाते रहना, देखिए पंपिंग कर ही रहा हूँ पर जो ब्रेक है ब्रेक नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से काफ़ी एयर निकल चुका है तो अब हम इसे टाइट करेंगे और चेक करेंगे कि ब्रेक कितना काम कर रहा है। आपको टाइट कर लेना है एयर स्क्रू, देखिए मैंने पूरा का पूरा एयर स्क्रू टाइट कर लिया है। अब हम देखिए ब्रेक दबा के देखते हैं और पंपिंग करके देखते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, अगर आप भी अपनी गाड़ी का पीछे का डिस्क ब्रेक अगर घर पे भी बनाना चाहे तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अभी देखिए मैं आपको पीछे का ही देखिए व्हील घुमा दिया और यहाँ से डिस्क ब्रेक देखिए ए रुक गया यहाँ पे। अभी आगे दिखाता हूँ मैं, देखिए ये सिर्फ कितना दबाना पड़ रहा है, यहाँ से इतना दबाना पड़ रहा है एक जितना डिस्क ब्रेक काम करता है। समझ लीजिए आपको इसी तरीके से बनाना है। अगर समझ लीजिए उसका रिंग गया हुआ है तो आप ओरिजिनल रिंग का पता करिए कहाँ मिलता है, ओरिजिनल रिंग डाले। अगर लोग एयर स्क्रू ख़राब हो गया तो एयर स्क्रू चेंज किया है। आपको क्या करना है, अगर इतना आपने कर लिया है, अगर ब्रेक आपका पंपिंग करने से ना बने तो ये पाइप पीछे ज़रूर अटैच करें। जैसे आप पाइप लगाएंगे उसमें ऑयल डालेंगे तो आपका ब्रेक बन जाएगा, और उसके बावजूद ना बने तो आगे से जो एमसी किट है ये खोल के एमसी किट बाहर निकाल के उसके बाद एमसी किट पंपिंग करना, आपका ब्रेक 100% बन जाएगा। मैं हर एक गाड़ी का लास्ट में बना ही देता हूँ, चाहे मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी क्यों ना चले जाए, 100% ब्रेक बनता है। मैं आपको देखिए ये घुमा दिया मैंने व्हील और देखिए लग गया, और देखिए कितना दबाना पड़ा सिर्फ इतना ही। वीडियो जानकारी अच्छी लगे फ्रेंड्स तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।